विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी विजन के कारण भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अगले 25 साल के अमृतकाल के विजन को साकार करने के लिए देश भर में पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार करने की अनूठी पहल की जा रही है। इसी विजन को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके तहत भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भारत के पहले अर्बन रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज किया जा रहा है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। इतिहास से पुरातन एक युवाओं का शहर जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है, ऐसे दिव्य अनंत को प्राप्त वाराणसी शहर में जब देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, तब संकरे रास्तों और पतली गलियों से गुजरकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। विश्व के इस प्राचीनतम शहर में आधुनिक आवागमन के लिए 3.85 किलोमीटर रोपवे वाराणसी कैंट से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा और गिरिजाघर होते हुए गोदौलिया चौक तक प्रस्तावित है, जो भविष्य की विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें प्रत्येक गोंडोला में 10 यात्री और लगभग 1,00,000 यात्रियों को दोनों दिशा में प्रतिदिन कम समय में सुरक्षित परिवहन का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान में कैंट स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 40 से 50 मिनट तक लगने वाले समय को मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के अनुकूल ये रोपवे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट क्लोजर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, लॉकर रूम जैसी सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट, सुविनियर शॉप्स, एटीएम और रेस्ट रूम इत्यादि सुविधाएं भी होंगी। सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन को सुनिश्चित करने वाला रोपवे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे और समाज समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि तकनीकी और आस्था का अनूठा सामंजस्य एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर।